आया हूँ। अल्लाह का एहसान है, माँ बाप की दुआ है, सबकी दुआ है मेरे साथ में, जो मैं दहशतगर्दों से लड़के भी सही सलामत वापस आया हूँ। और मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि मैं मालेगांव में इसलिए वापस आया हूँ, मैं एक एकेडमी खोलना चाहता हूँ, जो कि हमारे आसिफ भाई है, नसीम भाई है, वो लोग मुझे बहुत हेल्प कर रहे हैं। और उसी के ज़रिए से मैं एक स्कूल कराना चाहता हूँ कि जो भी माँ बहने बैठी है उनका भाई बेटा जो भी है वो लड़का पुलिस, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, जो भी फोर्स है वो ज्वाइन कर सके। आप लोग सभी जानते हैं कि आजकल के बच्चे हमारे जो भी है पढ़ाई करने के बाद ज़्यादातर मोबाइल में बिजी हो गए, मोबाइल के तौर पे, और उसके बाद में कोई मतलब इंटरेस्टेड नहीं है। क्या हम क्या कहते हैं कि मुस्लिम को जॉब नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं जॉब मिल रहा है? क्योंकि हम कोशिश ही नहीं करते हैं। हमने कई किसी बच्चे को देखा है कि जो सुबह उठ के हमारा बच्चा 4 बजे या 5 बजे प्रैक्टिस करता हो, और फिर उसके बाद में हम लोग यही कहते हैं कि मुस्लिम बच्चे को जॉब नहीं मिल रहा है। तो हम वो एक स्कूल खोल रहे हैं जिसके लिए हमारे आसिफ भाई जो है वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, नसीम भाई भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोग दुआ कीजिए कि हम एक स्कूल खोलना चाहते हैं, और जैसे मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ वैसे दुआ कीजिए आपका जो भी रिश्तेदार है वो ऐसे खड़ा हो और मालेगांव का नाम रोशन करें, क्योंकि ज़्यादातर मालेगांव का नाम हमारे खराब है, लेकिन किसी को पता नहीं कि मालेगांव क्या है। हमको पता है, सबको पता है मालेगांव क्या है, लेकिन नाम वैसे ही खराब है। लेकिन दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह मालेगांव का नाम हम लोग, आप लोग सब मिलके खराब नहीं होने देंगे। अब जब तक हमारे आसिफ भाई है तब तक वो तो खराब होने ही नहीं देंगे, आप लोग जानते ही है, क्योंकि सब जानते हैं। ये दुआ कीजिएगा, शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।